इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं। बहुत ही स्पष्ट भाषा में, जिसके विषय में हमें संदेह नहीं होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का एक राज्य है, उसका राजा वही है जिसे हम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहते हैं। ये राज्य संसार का नहीं, स्वर्ग का है। कल के दिन हमने ये भी देखा था, यदि ये पृथ्वी में शैतान का राज्य है और हम स्वर्ग के नागरिक हैं, तो क्यों प्रभु ने हमको इस राज्य में रखा है? तो उसका एक ही उपाय, हम एक ही उसका उत्तर हमें मिलता है। राज्य के दृष्टिकोण से जब अपने जीवनों को हम समझना चाहते हैं तो हम यहां पर केवल राजदूत के समान हैं। दूसरा करिन्थी 5 अध्याय और उसके 20 वचन के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह के राजदूत हैं। कल के दिन हमने उस राजदूत का जो पहला भाग हमने सुना था, पहला राजदूत तो है स्वदेश का नागरिक है, हमें भी उस स्वर्ग का नागरिक बनना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 21 के 27 में जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना चाहिए। भजन संहिता 69 के 29 के अनुसार धर्मियों के संग हमारे नाम लिखे जाने चाहिए। यशायाह नबी की किताब 4 अध्याय 3 वचन के अनुसार पवित्र लोगों के साथ हमारे नाम लिखे होने चाहिए। एक राजदूत की पदवी, उसकी गरिमा और उसका जो ओहदा है बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। उसका नैतिक जीवन, उसका स्वभाव और उसका चरित्र, गुणचरित्र इतना ऊंचा है कि परदेश में कोई भी उसे अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई उसे हथकड़ी लगा नहीं सकता। ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसी उसकी गरिमा है, पदवी है। आइए प्रियो, हम भी स्वदेश के नागरिक होने के नाते, प्रभु ने हमें परदेश में रखा है, फॉरेन कंट्री में, संसार हमारा घर नहीं है, हम भी ऐसे ही गुणचरित्र रखते हुए, उस पदवी के योग्य, उस गरिमा को बनाए रखते हुए अपने काम को हम पूरा करें। तो प्रश्न ये आता है, ये राजदूत जो है स्वदेश का नागरिक है, परदेश का निवासी है, He is a citizen of heaven, but he is a resident of this earth. हमारा कर्तव्य एक ही है, जैसे दाऊद ने हूशै को वापस ये अबशलोम के पास भेज दिया कि वो वहां रहे, वहीं खाए, वहीं रहे, परिवार का भी पालन पोषण हो, लेकिन वो राजा का काम कर रहा था। शत्रु के घर में रहता हुआ वो दाऊद राजा के लिए काम कर रहा था, ताकि अहितोपेल के सम्मति को वो निष्फल करे। और एक दिन आए जब दाऊद राजा के हैसियत से फिर लौट कर आए। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही सिखाया, तेरा राज आए। शैतान ने इस पृथ्वी को हमारे प्रभु का असल में उसने हथिया लिया। सबों के लिए एक बहुत ही जरूरी ये वचन है, समझने लायक है, विशेष करके जब हमारे जवान बच्चे जब परदेश में पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए जाते हैं, तो उनको ये वचन मैं जरूर बोलता हूं। पहला इतिहास 4 अध्याय और उसका 23 वचन, पहला इतिहास 1 Chronicles 4:23, वे कुम्हार थे और नताइम और गदेरा में रहते थे, जहां वे राजा का काम काज करते हुए उसके पास रहते थे। उद्यम उनका प्रोफेशन था, कुम्हार। उनका निवास स्थान नताइम और गदेरा में रहते थे, मतलब झाड़ियों के बीच में, गार्डन्स में, बगीचों, बागों में रहते थे, लेकिन वो राजा का काम करते थे। हमारा प्रोफेशन, हमारा उद्यम कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे हम कारखाने में काम करते हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम कुछ भी क्यों ना हो, हम रहने वाले कहीं के भी क्यों ना हो, शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, खुद के मकान में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, गरीबी में रहते हो या अमीरी में रहते हो, प्रियो हमारा उद्यम कुछ भी क्यों ना हो, निवासी हम कहीं के भी क्यों ना रहे, लेकिन हमें राजा का काम करना है। इसको कंठस्थ कर लीजिए, हृदय में गांठ बांध कर इसको रख लीजिए, कोई भी इससे वंचित नहीं रह सकता है। आज हम उसी राजदूत का
दूसरा भाग हम सुनना चाहते हैं। पहला भाग हमने सुना राजदूत का सबसे बड़ी प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी, कि वो अपने स्वदेश के हितों की रक्षा करे और उन हितों को संभाले रखे और स्वदेश के पक्ष में वो काम करता रहे। जैसे हूशै ने दाऊद के लिए काम किया और दाऊद वापस आया, हम भी मसीह के राजदूत के समान परदेश में है, हम इस रीति से काम करें कि प्रभु का राज एक दिन आए और शैतान के सारे काम निष्फल हो सके। दूसरा, एक राजदूत का दूसरा प्राथमिक है, सेकंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उसका, कि शांति स्थापित करे, ना केवल दो देशों के बीच में लेकिन अलग अलग देशों के बीच में भी वो शांति स्थापित करता है, ये उसका असल काम है। सौम्य स्वभाव का होता है, झगड़ालू नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रोवर्सी वो रेज नहीं करता है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने के लिए, कठिन परिस्थितियों में शांति स्थापित करने की ही कोशिश करता रहता है। यही उसका काम है, यही उसका कर्तव्य है, ये उसका उद्यम है, उसके लिए वो माना जाता है। ये काम राजदूतों का है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में ही सुन लीजिए इस बात को, लूका सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और 32 वचन में एक बार प्रभु यीशु मसीह दो राजाओं के विषय में जिक्र करते हुए कहता है, एक राजा जिसके पास 10,000 सैनिक है, दूसरा राजा जो 20,000 सैनिक के विरोध में लड़ाई करने के लिए यदि जाता हो और उसको समझ में आ जाए कि मैं जीत नहीं सकता हूं, तो वो 10,000 सैनिक वाला राजा क्या करता, नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, लूका 14 और उसका 32, और else while the other is yet a great way off he sendeth an ambassage, मतलब एंबेसडर्स का एक टोली बनाकर भेजता है और desired conditions of peace, एक राजदूत का ये कर्तव्य है कि शांति के शर्तों को पूरा करके कैसे भी करके मेल मिलाप स्थापित करे। और इस दृष्टिकोण से यदि देखें तो सबसे पहला पीस मेकर जिसको हम कहेंगे, शांति का राजदूत जिसको हम कहेंगे, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यशायाह नबी की किताब 9:6 में उसको शांति का राजकुमार कहा गया है। इब्रानियों की पत्री 7 और उसके 2 में उसको शांति का राजा कहा गया है। लूका सुसमाचार और उसका 10 और 6 में उसको शांति का पुत्र कहा गया है। मीका नबी की किताब 5:5 में हमारे प्रभु यीशु को शांति पुरुष ही कहा गया, दिस मैन इज पीस, ये मनुष्य ही शांति है। सबसे पहला शांति का वो शांति स्थापित करने वाला, मेल मिलाप करने वाला प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए, हम मानव जाति दुष्ट कर्मों के कारण जब परमेश्वर के पैरी थे, हमारे बीच में दूरी आ गई थी, हम एक दूसरे के विरोध में थे। कुलुसियों की पत्री 1 और उसके 21 में इस बात को पढ़ते हैं, कुलुसियंस 1:21, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से परमेश्वर के पैरी थे। तो परमेश्वर हमारे बीच में उसने देखे कैसे शांति स्थापित किया, 20 में लिखा हुआ है, कुलुसियों की पत्री 1 और उसका 20 और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे वो स्वर्ग। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा दाम चुकाकर कलवरी के क्रूस के अपने लहू के द्वारा उसने परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर और हम जैसे पापी मनुष्यों का मेल मिलाप कराया, शांति स्थापित की। और न केवल परमेश्वर के साथ हमारे साथ परमेश्वर का हमारे साथ शांति स्थापित किया, लेकिन मनुष्य और मनुष्य के बीच में जो शत्रुता आ गई थी कई कारणों से, जाति के आधार पर, देश के आधार पर और उसके समाज के आधार पर, समुदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, धनी गरीब के आधार, वो हजार नस्लवादी देखिए, जातिवाद देखिए, हजार कारण है कि मनुष्य मनुष्य का बैरी हो गया, लड़ाइयां झगड़े कितने चल रहे हैं इस दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर न
यहाँ केवल मेमना वध किया गया ताकि उसके लहू के द्वारा परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में शांति हो। हमारी शत्रुता को भी उसने वध कर दिया। पढ़ेंगे ये अनमोल वचन को, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 16 वचन। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 16 वचन। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया। दोनों को मतलब आपको और मुझको। हमारी भिन्नताएं बहुत सारी थी। कोई अपने आप को यहूदी कहता है, कोई यूनानी कहता है, कोई भारतीय कहता है, कोई बोलता है मुसलमान, कोई बोलता है क्रिश्चियन, कोई बोलता मैं ये हूं, मैं वो, मैं ऊंचे जात का हूं, नीचे जात का हूं, कोई बोलता गोरा, कोई बोलता काला। प्रियो, हजार कारण है कि क्यों मनुष्य मनुष्य से अलग होकर शत्रुता को उत्पन्न किया। लेकिन उसी शत्रुता को क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने वध किया और हम दोनों को एक करके परमेश्वर के साथ भी मिला दिया। इसका पूरा ब्यौरा हम पढ़ लेंगे इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 14-15 में। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 14-15। क्योंकि वही हमारी शांति मतलब मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। 15 वचन। और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति प्रति मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। 17 वचन पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री 2 अध्याय और उसका 17 वचन। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार। कितना अद्भुत यह काम है। यदि हम शांति कराने वाले का यह काम राजदूत के समान करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदयों में वो शांति होनी चाहिए। सबसे पहले हम परमेश्वर के साथ उस मेल मिलाप के संबंध को बनाए रखना चाहिए, नहीं तो इस सेवकाई को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। यदि हमारे ही हृदय में क्रोध है, बदले की भावना है, जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, घमंड है, छिपा हुआ पाप है, ऐसे पाप जिसको हम कबूल नहीं किए, जानबूझकर हम पाप करते रहते, इस प्रकार की बातें यदि हमारे हृदय में छिपी हुई है प्रियो, जब हमारे ही मन में शांति नहीं होगी, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का संबंध नहीं होगा, हम राजदूत की सेवकाई जो दूसरों के साथ शांति को स्थापित करने का नहीं कर सकते हैं। The top most priority of an ambassador is to work for the national interest. वो अपने राजा का काम करता है और दूसरा उसका टॉप सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है शांति स्थापित करना। सबसे पहले हमारे हृदयों में परमेश्वर की शांति राज्य करनी चाहिए, तब मात्र हम दूसरों के साथ शांति के संबंध को स्थापित कर सकते हैं। एक उदाहरण देकर हम इसको अच्छी रीति से समझ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब और उसका 25 अध्याय, उत्पत्ति की किताब। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले याकूब 4:1 पढ़ लेते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 1 वचन। जेम्स चैप्टर 4:1। याकूब की पत्री 4 अध्याय 1। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते? आपस में लड़ाई कहां से शुरू हुई? मैं मुझसे शुरू हो गई। मेरे जीवन में वो शांति ना होने के कारण, मेरे अंगों में वो शांति ना होने के कारण ये युद्ध जो है दूसरे बाहर में फैल गया है। यदि राजदूत की सेवकाई को प्रदेश में रहते हुए पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले शांति मेरे हृदय में राज्य करनी चाहिए, तब मैं दूसरों के बीच में भी शांति को स्थापित कर सकता हूं। अब देखिए इस उदाहरण को, उत्पत्ति की किताब उसका 25 अध्याय 22-23 वचन में पढ़ते हैं। जेनेसिस 24:25-22-23। इसहाक और रिबका दोनों पति पत्नी है, 20 साल तक उनके संतान नहीं थे, लेकिन इसहाक ने परमेश्वर से विनती की, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उसके रिबका के गर्भ को खोल दिया। अब रिबका का अनुभव देखिए, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे, और ये बात इसहाक को भी नहीं मालूम है, ये भीतर की बात है, व्यक्तिगत जीवन की बात है। तब उसने कहा, मतलब रिबका ने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो यहोवा से इच्छा पूछने के लिए, हे प्रभु जी, मैं अशांति में, मेरे कोख में
दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपटकर लड़ भिड़ रहे हैं। और यदि ऐसी ही दशा रही, इसके ऊपर यदि मुझको विजय नहीं मिला, तो मेरे जीवित रहने का अर्थ क्या है? मैं शांति के साथ जीवित नहीं रह सकती हूँ। तब परमेश्वर ने उसको एक उत्तर दिया, 23 वचन, उत्पत्ति 25 और उसका 23। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे कोख में दो जातियां हैं, तेरी कोख से निकलते दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे। देखिए, दो राज्य, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य है। ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और ये द्वंद्व हमारे जीवन पे हो रही है। और जब तक इसके ऊपर हमको विजय ना मिले, हम राजदूत की सेवकाई जो औरों के साथ मेल मिलाप को स्थापित कर नहीं कर सकेंगे। और अंत में प्रभु ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत, ये प्रिंसिपल है, शांति स्थापित करने का सिंपल प्रिंसिपल है, आखिरी लाइन में देखिए, बड़ा बेटा छोटे का अधीन होगा, द एल्डर शैल सर्व द यंग। मेरा बड़ा भाई शरीर है, छोटा भाई आत्मा है। शरीर के अनुसार मैंने जब जन्म लिया था, शरीर में था, लेकिन आत्मा के अनुसार जब मैं नया जन्म पाया तो मैं आत्मिक पुरुष बना। तो शारीरिक मनुष्य भी हूँ, आत्मिक मनुष्य भी हूँ। मेरा बड़ा भाई शरीर है, छोटा भाई आत्मा है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती रहे, ये दो राज्य है, लेकिन हमें अवश्य कोशिश करना है कि आत्मा के द्वारा शरीर के कामों के ऊपर हमको विजय मिले। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 13 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये आत्मा शरीर के ऊपर राज्य करना है, ये छोटा है जो है बड़ा के ऊपर राज्य करना है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन, गलतियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन, ये द्वंद्व के ऊपर यदि हमको विजय नहीं मिला, हमारे ही जीवन में यदि शांति नहीं है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, द्वंद्व होता रहता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इनमें कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो नहीं करने पाओगे। राजदूत की सेवकाई जो मेल मिलाप की है वो तुम नहीं कर सकते यदि व्यक्तिगत जीवन में इस द्वंद्व को हमने नहीं जीता। ध्यान से हमारे व्यक्तिगत जीवनों को जांचने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में मेरे हृदय में परमेश्वर की शांति राज कर रही है या नहीं, मेरे जीवन में उस द्वंद्व के ऊपर मैंने विजय पाया है कि नहीं, आत्मा के द्वारा यह क्या मैं अपने शरीर को वश में रखा हूं कि नहीं, मेरा बड़ा भाई जो है वो छोटे के अधीनता में है या नहीं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14 वचन, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो। ये राजदूत की एक प्राथमिक सेवा है, अन्यथा उसको राजदूत नहीं कहेंगे। और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पीस विद अदर्स विल फॉलो ओनली व्हेन देयर इज प्यूरिटी इन सेल्फ। व्यक्तिगत जीवन में जब पवित्रता है तब मात्र दूसरों के साथ मेल मिलाप हो सकता है। अब ध्यान से इस बात को समझ सकते हैं प्रियो, यदि मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, स्वर्ग के राज्य का नागरिक हूं, और ये पृथ्वी जो शैतान का राज्य है, किंगडम ऑफ सैतान, यहां पर प्रभु ने मुझको रखा है, तो एक ही इरादा है कि मैं राजदूत के समान। आज हमने एक दूसरा पाठ सीखा, राजदूत का दूसरा अहम सेवा शांति का दूत है, शांति स्थापित करना, सबसे पहले खुद के जीवन में, उसके बाद दूसरों के साथ, नहीं तो प्रभु को मैं कदापि देख नहीं सकूंगा। व्यक्तिगत जीवन में शुद्धता, तब दूसरों के साथ मेल मिला। इस रीति से शांति को बनाए रखते हुए हमारे प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो सके। रिबका के उस बात को रेखांकित करके अपने हृदय पर लिख लीजिए, ऐसा ही रहा तो मैं शांति के साथ कैसे जी सकती हूं, यदि मैं खुद शांति में नहीं हूं दूसरों को मैं कैसे शांति के सेवकाई कर सकती। क्या परमेश्वर के साथ आपकी शांति हो गई है?
क्या उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा क्षमा प्राप्त करके प्रभु ने परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप करा दिया? क्या उस शांति के संबंध को पवित्रता के साथ बनाए रखे? आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में ये जो द्वंद चल रहा है, क्या उसके ऊपर हमको विजय मिला है? ताकि जो हमें करना चाहिए गलती 5:17 के अनुसार, जो करना चाहते हैं, जो करना चाहिए, जो कर्तव्य हमको मिला है, जो सेवा हमको मिली है राजदूत की, उसको हम पूरा कर सक रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, राज्य के संबंध में जो सेवा आपने हमको सौंपी है प्रभु जी, बहुत बहुत बड़ी है। दुख के साथ, टूटे मन के साथ कबूल करना चाहते हैं। हमारे ही जीवन में, हमारे ही हृदय में, हमारे ही देह के अंगों में वो जो द्वंद चल रहा है आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, उस पर विजय न पाने के कारण जो सेवा हमको करनी चाहिए वो हम नहीं कर सकते, जो सेवा हम करना चाहते हैं वो भी हम नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु जी आज व्यक्तिगत हृदय में आपके शांति को बहाल करें। रिबका के बातों को याद करते हैं, ऐसा ही रहा तो मैं कैसे शांति के साथ जी सकती हूं। प्रभु ने कहा देख दो राज्य तेरे कोप में, बड़ा जो है छोटे की सेवा करेगा। प्रभु जी आत्मा के द्वारा शरीर के ऊपर विजय पाते हुए जैवन जीवन बिताते हुए हमारे हृदयों में आपकी शांति राज्य कर सके। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार हमारे हृदयों में राज करे। इस वचन की रक्षा करिए प्रभु जी, जो हम बोल नहीं सके उससे बढ़कर आप हरेक से बातें करें। वचन की रक्षा के लिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।